संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता युवती की मौत। एक समुदाय की युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से की थी शादी। मौत के बाद दोनों पक्षों के लोग आए एक दूसरे के आमने सामने। घटनास्थल पर हुआ पथराव और फायरिंग। यह पूरा मामला वर्षा नामक युवती उम्र 22 वर्ष निवासी नमक्की मंडी थाना शाहगंज ने फहीम नामक लड़का उम्र 25 वर्ष पुत्र कयूम हाल निवासी चिल्ली पाड़ा 5 वर्ष से किराए पर रह रहा था। अलग अलग समुदाय के लड़के और लड़की ने एक साल पूर्व की थी शादी। लड़का फहीम पुत्र कयूम जनता गैराज नाम से गोविंद नगर साकेत कॉलोनी में अपना गाड़ी का गैराज चलाता है। झांसी का रहने वाला फहीम 20 साल से आगरा में अलग अलग स्थान पर किराए पर रहता था। हिंदू मुस्लिम के बढ़ते तनाव को देखते हुए चदकारियों ने बाहरी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया है। थाना शाहगंज क्षेत्र के चिल्ली पाड़ा की घटना। यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि वर्षा ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है। वह युवती थी जो जिसने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की थी और वो बीच में यहाँ से चले भी गए थे, अब फिर पुणे यहाँ के रहने लगे थे जैसा कि बताया गया है। और उसकी उसने आज जैसा कि बताया गया है कुंदे से लग के उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसकी बॉडी को उतार लिया गया था और पुलिस CO साहब भी मौजूद थे और इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे। तभी कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर आकर हंगामा किया गया और जिसके फलस्वरूप कुछ दूसरे पक्ष लोग भी इकट्ठे हुए। पुलिस तत्काल मौके पर थी, लोगों को हटाया गया और अब मैं भी मौके पर पहुँचा था। तत्काल SP सिटी और विभिन्न थानों की मौत फोर्स भी मौके पर पहुँची थी। यहाँ पर पूरी तरह शांति है। जो लोग अपना लिख के देना चाहते हैं उनसे लिख के देने के लिए कहा गया था, तहरीर देने के लिए कहा गया है और जो उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी जो लड़की के लटकने से संबंधित है जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से और जो लोग और लिख के देंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक यहाँ जो BJP का युवा मोर्चा का एक नेता है गौरव राजावत, लगातार पब्लिक कह रही है कि अक्सर वो विवादों में रहता है और आज भी उस पर ही सबसे ज़्यादा आरोप है माहौल खराब करने का। देखिए ये जो यहाँ पे लोगों ने कहा है, मैंने उनसे कहा जो भी लिख के देना अपनी बात लिख के दें और जो कोई भी जाँच होगी सारी चीज़ों की, जो कोई भी बात सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।